आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में, जहां हम पाते हैं मार्गदर्शन जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने प्रज्ञा के तीन प्रकार जाने, ये भी जाना कि भावनामय प्रज्ञा ही हमारे भीतर ज्ञान की जोत जगा सकती है। तो आइए आज इसी विषय में कुछ और पूछते हैं गुरु जी से, पूछते हैं उनसे कि प्रज्ञा के इन तीन प्रकारों में और क्या अंतर है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, ये जो बातें हैं, जो हमें चिंतन से पता चले और वही बातें अनुभव से भी मालूम हो, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है बेटी। जहाँ बाहर बाहर के सांसारिक बातें हैं, उनको जानकारी करनी हो तो बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन करके हम जानकारी करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि दुनिया की बाहर की बातों को अनुभूति पर उतारें और उसके बाद स्वीकार करें। लेकिन जहाँ तक अंदर की बातें हैं, अंदर की सच्चाई है, जिसे भारत की पुरानी भाषा में अध्यात्म कहा, अपने भीतर की सच्चाई को अनुभूति पर जाने बिना हम अपना भीतर का स्वभाव नहीं बदल सकते। मन की जड़ों तक कैसा स्वभाव बना रखा है, यह शरीर या चित्त, इन दोनों के संपर्क से किस तरह कोई संवेदना जागती है, हम प्रतिक्रिया करते हैं, राग जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, उसे कैसे पलटें, तो उसकी जानकारी केवल बुद्धि से होकर रह जाएगी तो पलट नहीं पाएंगे। उसको अनुभूति द्वारा जानेंगे तब उसमें सुधार होगा, तब उसमें बलदाव आएगा। तो बहुत अंतर है दोनों में। गुरु जी, देखा गया है कि कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो मन पर गहरा असर करते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन में एक परिवर्तन सा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। सामान्य बातों में उतना बड़ा भाव विष न भी जागे, पर इस तरह की घटना हो, कोई अपना प्यारा गुजर जाए, तो मन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी की मृत्यु हुई, उसे शमशान भूमि ले गए, उसके शव को चिता पर रखा, आग लगाई, तो देखने वाला आदमी सोचता है कि अरे ये भी कोई जीवन है, कल तक ये व्यक्ति जिंदा था और थोड़े समय पहले तक जिंदा था, और अब देखो इसके शरीर को जलाया जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, इसका धन, इसकी संपदा, इसके परिवार वाले सब कुछ छोड़ के जा रहा है। क्या यही हालत मेरी भी होने वाली है? होगी ही, सबकी होती है, मेरी भी होगी। बड़ा ज्ञान जागता है। हाँ ये पुत्र, हाँ ये संपदा, हाँ ये मान सम्मान, हाय हाय करते हुए निकले तन से प्राण। देखो कैसे इसके प्राण निकल गए। इस संसार के साथ आसक्ति रखनी बड़ी खतरनाक है, खूब समझता है, क्योंकि शमशान भूमि वो दृश्य देख रहा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। शमशान भूमि से बाहर आया और मानो कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल गया जिससे उसके संबंध बिगड़े हुए हैं, उसे देखते ही क्रोध जागा, देखते ही दुर्भावना जागी। ये इतना बुरा आदमी है, इसने मेरा बुरा किया, मैंने इस पर सिविल केस कर रखा है, सिविल केस से क्या बनेगा, किसी तरह इसको फंसाऊं, क्रिमिनल केस करूं तो इसको होश जागेगा। कितनी दुर्भावना, कितना द्वेष, कहां गई वो अनाशक्ति, कहां गई वो वितरागता। उतनी देर तक ही है, शमशान ज्ञान है, जो भीतर की बात भीतर तक संदेश पहुंचाने की बात है, ये अनुभूति से होगी, अन्यथा नहीं। बाहर संसार की बातों को हम अनुभूति करके ही मानेंगे, ऐसा पागलपन भी नहीं हो, ये दूसरी अति हो जाएगी। कोई काला नाग देखा, लोग कहते हैं काट लेगा तो तू मर जाएगा, मैं नहीं मानता, ये मुझे काटे और मैं देखता हूँ कि मरा कि नहीं मरा और उसके बाद मानूंगा, तो पागलपन की बात हुई ना। तो सांसारिक बातों में सारी बातें अनुभूति से ही जान कर माने आवश्यक नहीं, अंतर्मन की गहराइयों की बातों को
बिना अनुभूति द्वारा मान रहा है तो वो शमशान ज्ञान है, उसका लाभ नहीं हुआ। जी गुरुजी, गुरुजी दुनियादारी की बातों में और अध्यात्म की बातों में फर्क तो रहेगा ही। जैसे कि अभी आपने कहा कि अध्यात्म में खुद के अनुभव को जाने बिना कोई इलाज नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी हम प्रैक्टिकल होके ये कैसे करें, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, ब्रेक के पहले आपने हमें बताया कि खुद को सुधारने के लिए अंतर्मुखी होकर सच्चाइयों को जानना जरूरी होता है। तो फिर गुरुजी इसका प्रोसेस क्या होता है? बेटी, अपने आप की भीतर की सच्चाई अनुभूति पर उतरे तो भावनामय प्रज्ञा हुई, अन्यथा श्रुत प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा, उसका जैसे बताया थोड़ी देर के लिए असर होता है। एक और उदाहरण से समझो, किसी धर्म सभा में कोई आदमी गया और धर्म की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी, अनासक्त बनो, वितराग बनो, इत्यादि इत्यादि, बड़ा प्रभाव पड़ा। अरे क्या संसार है आखिर, हम क्या राग किए जा रहे हैं, अपने को व्याकुल बनाए जा रहे हैं, आसक्त होते हैं, व्याकुल बनाए जा रहे हैं, बस आज से ख़त्म, कोई राग नहीं जागेगा, कोई आसक्ति नहीं जागेगी। सभा ख़त्म हुई, बाहर आया, देखता है जूते गायब। अरे मेरे जूते कौन ले गया, कल ही तो खरीदे थे, इतने बढ़िया जूते, इतने कीमती जूते कौन ले गया, अरे यहाँ के लोग बड़े खराब हैं, चोर हैं। कहाँ गई अनासक्ति, कहाँ गई वितरागता, ये सारी ऊपरी ऊपरी बातें। तो ऊपरी ऊपरी बातों का भी उतना गहरा असर नहीं होता जितना होना चाहिए। भीतर की बात के लिए तो भीतर पहुंचना ही होगा। उसके लिए तुमने पूछा कि क्या तरीका है, तो यही तरीका है कि शुद्ध सांस से काम शुरू करें। अपने आप सांस धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, और मन भी पहले से कहीं अधिक सच्चाई पर टिकना शुरू हो जाएगा। तो सच्चाई पर टिकते 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 मन भी सूक्ष्म हो गया, और सूक्ष्म हो गया तो बहुत संवेदनशील हो गया, संवेदनशील हो गया तो और कुछ अनुभव करने लगा, किस तरह की संवेदना शरीर में चल रही है, उसका क्या प्रभाव है। यूं होते होते भीतर तक जाएगा तो जो शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हैं उनका हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। उस महान वैज्ञानिक ने, भगवान बुद्ध ने, यही बात खोज निकाली कि मन में कुछ भी जागे वो शरीर पर संवेदना लेकर जागेगा। तो मन का जो भीतरी हिस्सा है, अंतर मन का भीतरी हिस्सा है, वो इन संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते 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 ऐसी अवस्था आएगी कि शुरू शुरू में जो संवेदनाएं हैं बड़ी स्थूल स्थूल, लेकिन देखता जाएगा, साक्षी भाव से देखता जाएगा, तो ये स्वभाव है, प्रकृति का नियम है कि हम सच्चाई को समता के साथ देखते जाएं तो हमारी प्रज्ञा तीक्ष्ण होती जाएगी, बींदती हुई, चीरती हुई। तो ये सारी स्थूलता है, सघनता है शरीर की, वो नष्ट होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, और होते होते उससे सूक्ष्म सच्चाई, उससे सूक्ष्म सच्चाई, पहुँचते पहुँचते उस अवस्था पर पहुँच जाएंगे जहाँ भौतिक जगत की सूक्ष्मतम सच्चाई, उसे जैसे आज एटम कहते हैं, उसे भगवान बुद्ध ने कलाप कहा, इकाई, भौतिक जगत की छोटी से छोटी इकाई, उसके बाद टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म कलाप, उनको अष्ट कलाप कहा। तो ये अष्ट कलाप तक पहुंचे, उसके बाद आगे का काम आसान हो जाए। तो गुरुजी इसे अष्ट कलाप क्यों कहते हैं? बेटी जैसे बताया, कलाप माने इकाई, नन्ही से नन्ही इकाई, नन्ही से नन्ही इकाई में भी आठ बातें जुड़ी हुई हैं, वो अलग नहीं हो सकती, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, जल धातु, ये चारों महाभूत उस कलाप में समाये हुए, और इन चारों महाभूतों के अपने अपने गुण धर्म स्वभाव, चारों के अलग अलग, तो चार उनके गुण धर्म स्वभाव और चार ये महाभूत सब मिलकर के आठ हुए। भगवान बुद्ध ने महान वैज्ञानिक की तरह सच्चाई को देखा और उसे नाम दिया अष्ट कलाप। ये नन्ना सा नन्ना इकाई भौतिक जगत की, फिर भी ठोस नहीं है। भौतिक जगत है तो लगता है ठोस है, ठोस कुछ नहीं है। वो नन्नी से नन्नी इकाई भी, वो अष्ट कलाप भी केवल तरंगे हैं, तरंगे हैं और कुछ नहीं। उत्पन्न होती है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है,
और इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है कि हमारी इन सामान्य आंखों से देखा भी न जाए और इन सामान्य बुद्धि से गिना भी न जाए। वो प्रज्ञा के बल पर जानते हैं इस बात को, तो कहते हैं कि जितनी देर में मैं पलक झपकूं, उतनी देर में एक नन्ना सा अष्टकलाप अनेक शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। शत सहस्त्र कोटि माने एक के आगे 12 बिंदी लगाएं, और वो भी अनेक। तो इन गहराइयों तक व्यक्ति समझ गया, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भी इसकी खोज की कि ये भौतिक जगत की सूक्ष्मतम सच्चाई है, वो एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसमें तरंगे हैं। तो ये कितनी जल्दी जल्दी तरंगे उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, जानना चाहे कोई तो। किसी एक वैज्ञानिक ने इसको जानने के लिए अनुसंधान किया। हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक ने कोई बाहरी उपकरण नहीं, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, अपनी अनुभूति से जाना, और वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको किसी वैज्ञानिक अपरेटस से जाना, तो देखा कि वो नन्ना सा परमाणु कण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, एक सेकंड में एक के आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और हमारे देश के इस वैज्ञानिक ने कहा कि चुटकी बजाए उतनी देर में अनेक शत सहस्त्र कोटि, तो दोनों एक ही सच्चाई पर पहुंचे। फिर भी इसका लाभ दोनों को एक जैसा नहीं मिला। जी गुरुजी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक बात बताई आपने। इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऊर्जा में। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि साइंटिस्ट ने वो डिस्कवरी की, तो फिर बिना ध्यान किए साइंटिस्ट वो बात समझ पाए, तो इन दोनों में फर्क क्या रहा? बहुत बड़ा फर्क हुआ बेटी। साइंटिस्ट उस सच्चाई को बुद्धि के स्तर पर जान पाया, और हमारे देश के इस महापुरुष ने उस सच्चाई को अनुभूति से जाना। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। जिस साइंटिस्ट ने ये खोज की, वो साइंटिस्ट कैलिफोर्निया की बर्कली यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड था, और इसके लिए उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो परमाणु हमें दिखाई ही नहीं देता, उसकी गति हम कैसे जानें, तो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा जाना, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा बबल चैम्बर। उसके जरिए से उसने ये सच्चाई स्वीकार की कि एक सेकेंड में एक के आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार एटॉम की तरंगों का उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये क्रम चलता है। और अपने यहाँ तो शिविरों में हर एक देश के लोग आते हैं, तो ऐसा संयोग हुआ कि कैलिफोर्निया के कुछ लोग आए, शिविर लिया और ये सारी बात सुनी, उस साइंटिस्ट का नाम भी सुना, तो उत्सुकता के मारे जब वापस गए तो उससे जाके मिले, और फिर एक बार हमारे पास आए तो कहते हैं कि हम उससे मिले, वो तो बड़ा तनाव से भरा हुआ, जब देखो तो बड़ा व्याकुल है और इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो हमने समझाया, देख फर्क पड़ा ना, उस व्यक्ति ने जो एटम बम बना उसके निर्माण में उस व्यक्ति का सहयोग था। अब जब पहली बार जापान पर एटम बम गिराया गया तो उसके मन में ये उत्कंठा जागी कि हमने जो ये एटम बम बनाया, ये जब हमारे दुश्मन के देश पर गिरेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये देखने की उत्सुकता। तो जो जहाज एटम बम लेकर के जापान पर एटम बम गिराने के लिए गया, उसमें वो बैठ गया देखने के लिए, लोगों की तबाही हो रही है, तो इसकी मानसिकता को देखो। और वहाँ अपने देश का महान साइंटिस्ट इसी सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जब जान गया, तो कैसे जान गया, चित्त निर्मल होते 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 उस अवस्था पर पहुँचा है कि जहाँ पर उसने ये सच्चाई को अनुभूति पर उतारा, तो सारी प्रक्रिया में, उसके अनुसंधान में, उसके रिसर्च में मुख्य बात ये हुई कि चित्त निर्मल होता गया, निर्मल होता गया, निर्मल होता गया। उस आदमी ने तो ये काम किया नहीं, उसने तो केवल अपने इंस्ट्रूमेंट के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर इतना समझ लिया कि ये जो एटम है वो बार बार बदलता है, बड़ी शीघ्रता से बदलता है, इतना ही जान लिया उसने। मन तो बदला नहीं उसका, बल्कि मन में तो द्वेष और बढ़ा, क्योंकि अहंकार बढ़ा, अरे
मैंने इतना बड़ा आविष्कार किया, उस अहंकार ने उसमें और विकार जगाए और यहाँ ये व्यक्ति उस अवस्था पर पहुँच करके मैत्री जगाता है, करुणा जगाता है और बांटता है, ये विद्या लोगों को बांटता है। अरे सब दुख जा रहे हैं, तो सारे जीवन भर ये अवस्था प्राप्त होने के बाद बाकी सारा जीवन अनंत करुणा से भर गया, अनंत मैत्री से भर गया। और ये इतनी सरल विद्या है, कुछ करे तो सरल है, न करे तो कठिन है। और लोग जितना जितना भी इस रास्ते चलेंगे उतने उतने विकारों से मुक्त होंगे, और चलते चलते अंतिम अवस्था तक पहुंच गए तो सारे दुखों से छुटकारा हो गया, ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो गया, तो एकदम मुक्त हो गए। ये करुणा, एक और तो ये करुणा और एक और उस विनाश को देखने की लालसा, कितना बड़ा अंतर है दोनों में। हमारे गुरु जी के पास वहाँ का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक आया, उसने शिविर किए, शिविर करने के बाद देखता है कि अरे जो हम कर रहे हैं तो प्योर साइंस है। वो मेटलर्जिस्ट था, और जो आकाश में यान भेजे जाते हैं उसमें जो मेटल लगता है बहुत शुद्ध होना चाहिए, तो उसको शुद्ध करने के लिए मेटल के लिए एक रिंग बनाते हैं, मेटल का एक रोलर और उस पर एक रिंग, वो रिंग बिल्कुल शुद्ध होगी, वो रिंग उस पर से गुजरेगी तो उस रोलर में का सारा मैल बाहर निकलता चला जाएगा। अरे यही तो बताया भगवान बुद्ध ने, ये हम रिंग सिर से पांव तक घुमाते हैं और शुद्ध चित्त के रिंग घुमाते हैं, विकार निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, प्योर साइंस है। उसने अनुभव किया तो वही साइंस का उसने उपयोग किया, अपना कल्याण किया और फिर औरों को भी सिखाने लगा, औरों का भी कल्याण किया। बहुत बड़ा अंतर होता है बेटे, केवल बुद्धि विलास से कोई आदमी धर्म की बात भी समझ ले तो भी अपना कल्याण नहीं कर पाया, औरों का कल्याण नहीं कर पाया, लेकिन अनुभूति से जान ले तो अपना भी कल्याण हुआ, औरों का भी कल्याण हुआ। जी गुरुजी, सच कहा आपने, अनुभव के स्तर पर जानने में और आफ्टर इफेक्ट से जानने में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरुजी अब बात समझ में आई कि आप भीतर के अनुभव पर क्यों जोर देते हैं। आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन यहाँ लेते एक छोटा सा विराम। दर्शकों आप देख रहे हैं ऊर्जा और हमारे शो का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं संजय रेड्डी जी बैंगलोर से। वो पूछते हैं कि गुरुजी माताजी आपके साथ हमेशा क्यों रहती हैं? क्यों न रहे, हमारे जीवन संगिनी है, जब तक दोनों साथ हैं, जीवित हैं तब तक साथ रहेंगे। आज से लगभग 60 वर्ष पहले जब मैंने इसका हाथ पकड़ा, उसको पाणी ग्रहण कहते हैं, पाणी ग्रहण किया और इसे अपने बाईं ओर बैठाया तो कुछ प्रतिज्ञाएं की। उनमें से एक प्रतिज्ञा ये थी कि अपने किसी भी धर्म के काम में तुम्हें अवश्य साथ रखूंगा। इससे बड़ा धर्म का काम और क्या होगा, लोगों को धर्म समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, शिविरों में सिखा रहे हैं, ये एक बड़ा कारण कि उसको साथ रखना ही है। एक और बड़ा कारण कि भारत आने पर मैंने देखा कि लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति और उनकी शिक्षा के प्रति कितनी गलत फहमियाँ हैं, कितनी भ्रांतियाँ हैं, अनेक भ्रांति हैं। उनमें से एक भ्रांति ये कि उन्होंने तो जल्दी ये घर बार छोड़ दिया, गृहस्थ का धर्म निभाया ही नहीं, भिक्षु हो गए, जब गृह त्याग दिया तो भिक्षुओं को तो वो ठीक उपदेश देंगे, अपना अनुभव उनका, गृहस्थों को वो क्या उपदेश देंगे। तो उनके उपदेश गृहस्थों के लिए नहीं है, भिक्षुओं के लिए है। और मुझे जब यह विद्या मिली और उसके बाद मैंने उनकी वाणी पढ़ी तो अरे जितने उपदेश उन्होंने भिक्षुओं को दिए उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतने उपदेश उन्होंने गृहस्थों को भी दिए, और इस विवरण के साथ दिए कि जैसे बहुत बड़ा जीवन का अनुभव अपना औरों का, तो कितनी समस्याएं गृहस्थों के आती है, उन समस्याओं का समाधान एक गृहस्थ धर्म का जीवन कैसे जी सकता है। और हम देखते हैं कि उसका इतना बड़ा लाभ गृहस्थों को होता है, इतना बड़ा लाभ हम दोनों को हुआ उसी रास्ते चल करके, तो लोगों में इस बात का विश्वास जागे कि यह भगवान बुद्ध का रास्ता है, ये जितना भिक्षुओं के लिए है उतना ही गृहस्थों के लिए है, मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग वो काबू है। तो लोगों को आश्वासन हो
कि हम भी इस रास्ते चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और एक कारण, अनेक लोग कई तरह की साधनाएं सिखाते हैं, कई तरह के धर्म प्रवचन देते हैं, सब ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसे भी कि जिन्होंने धर्म को दूषित किया, तो लोग घबराएं यहाँ भी और विदेशों में भी कि ये कैसे लोग हैं। और ये जो शिक्षा हम सिखाने जा रहे हैं जब यहाँ आए थे, अरे इसमें तो 10 दिन तक हमारे साथ रहना पड़ेगा। और लोगों के मन में झिझक, कोई अपनी बहू बेटी को 10 दिन तक हमारे साथ रहने के लिए किसी शिविर में कैसे तैयार होगा, झिझक होगी। और जब ये साथ है तो बड़े आश्वासन के साथ कि पति पत्नी दोनों मिलकर सिखाते हैं, और फिर वहाँ का वातावरण, पुरुष और नारी, साधक और साधिकाएं बिल्कुल अलग, और अनुशासन इतना कड़ा सदाचार का, तो इस मारे धीरे 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 ये विद्या फैलने लगी। इसमें इसका बहुत बड़ा सहयोग हुआ। एक और भी कारण कि इस विद्या में चित्त जितना जितना निर्मल होता चला जाए, उतनी उतनी भीतर से मंगल मैत्री जागती है, कल्याण का भाव जागता है। बोलने वाला तो मैं बहुत हूँ, मैं बोलता हूँ, ये नहीं बोलती, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपना काम करती है सभाओं में, धर्म सभाओं में और शिविरों में भी। ये बैठ करके मैत्री देती रहती है, सबका मंगल हो, कल्याण हो, इस सद्भावना की तरंगे फैलती हैं, तो उससे लोग शांत होकर के धर्म की बात सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये अपनी भूमिका अदा करती है, अपना पार्ट प्ले करती है, तो इसलिए इसका साथ रहना बहुत जरूरी है। जी गुरुजी, माता जी आप भले ही कुछ ना कहें, आप बस गुरुजी के साथ हमारे शो में उपस्थित हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। गुरुजी आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा।